हरे कृष्णा। इंडिया ट्रेन क्रैश, भगवद गीता पर्सपेक्टिव। भारत में उड़ीसा में एक भयंकर ट्रेन दुर्घटना हुई है जिससे 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, कई सैकड़ों लोगों का घायल भी हुई है। प्रार्थना करता हूँ जो सब भी इससे प्रभावित हुए हैं, इनके करीब के लोग तो गुजर गए हैं या घायल हुए, उन्हें शक्ति और बुद्धि मिले जिससे कि वे इस विपत्ति का सामना कर सके। ऐसी परिस्थिति में भगवद गीता हमें क्या मार्गदर्शन दे सकती है, ये मैं तीन दृष्टियों से देखूंगा। तीन एस ये पॉइंट है इंग्लिश में। पहला है कि जो है हम किस तरह से हम ऐसी परिस्थिति को देख सकते हैं। तो सबसे पहले है सीरियसनेस, कि हम सबको हमारे जीवन में अनेक जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां हमें गंभीरता से निभाना जरूरी है। जहां तक जांच की गई है, ऐसे कुछ पता नहीं चला है कि ये जो दुर्घटना हुई किसी के गुनाह करके, कोई आतंक क्या ऐसे कोई बात नहीं है, ये कोई गलती हुई है, चाहे सिग्नल में ड्राइवर के द्वारा या किसी और के कारण। तो अभी साधारण से लोग ड्राइविंग करते हैं, जो सिग्नल दिखाते हैं रेलवे के लिए, उन लोगों को बहुत बड़ा नहीं माना जाता है, और क्योंकि उनको नगण्य मान लेते हैं, वैसे लोग अपना काम भी नगण्य मान सकते हैं और फिर उसमें कभी कभी दुर्लक्ष्य हो सकता है। भगवद गीता कहते हैं कि लोक संग्रह एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, कि हम हर एक व्यक्ति का एक योगदान है इस जगत को चलाने में। लोक संग्रह एवापि, कि हम सबकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। शायद हमें तुच्छ लग सकती है दुनिया की नजरों में, पर हम ऐसे जगत में जी रहे हैं यहाँ पे सब चीजें जो आजकल बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और इसके कारण जब एक चीज कहीं गलत होती है तो उससे काफी अलग चीजें, अनेक चीजें दूसरे भी गलत हो सकती है। तो हमें जो हमारा कर्म करना है वो एक पूजा के भाव में करना है, पूजा की गंभीरता से, गंभीरता और ध्यान के साथ करना है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जिस तरह से आप पूजा करते हो उसी तरह से आप आपका कर्म भी करो। यह जो है, मान लीजिए हम भगवान के विग्रहों की पूजा कर रहे हैं, तो उस समय हम हमारे फोन पे टिकटॉक वीडियो नहीं देख रहे होंगे। तो ऐसे ही हम जो हमारा कर्म करते हैं ध्यान पूर्वक में करना चाहिए। और दूसरा एस जो है कि स्ट्रेंथ, ऐसे परिस्थिति में हम कहाँ से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि ऐसी विपत्ति का सामना कर सके। साधारणतया हम हमारी शक्ति अलग अलग चीजों से प्राप्त करते हैं, हमारे शायद धन संपत्ति से, हमारे सामाजिक जो पोजिशन है उससे, शायद हमारा लोकप्रियता है उससे, हमारे शारीरिक तंदुरुस्ती और शारीरिक आकर्षण से, अलग अलग चीजों से हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इन सब का देखभाल करना एक तरह से जरूरी है, ये सब तक हम कर सकते हैं। पर ये सब जो है असत्व सैन्येषु है, ये सब जो है हमारा पूर्णतया या अंतिम दृष्टि से संरक्षण नहीं कर सकते हैं। भागवत कहते हैं कि हमें एक ही, अगर हमें आश्रय चाहिए तो हमें अंदर देखना है, बाहर नहीं। भगवद गीता बताती है कि हम सबके शरीर और मन के परे हमारी आत्मा है, और शरीर विनाशी है पर आत्मा अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कि ये आत्मा जो है कभी विनाश नहीं होता है, और आत्मा जो है उसका परमात्मा के साथ हमेशा शाश्वत संबंध है, जन्मों जन्मों का संबंध है। तो जो लोग गुजर गए हैं, शायद उनके शरीर को बिखरा हुआ देखकर, टूटा हुआ देखकर हम बहुत विचलित हो सकते हैं, पर हम ये आत्मज्ञान से आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे जो जो भी लोग गुजर गए हैं वो वास्तव में आत्मा है, और आत्मा अभी भी सुरक्षित है। आत्मा परमात्मा के साथ वो आत्मा के अगली गंतव्य पे, अगले गंतिगति पे जा रहा है। तो हमें भी ये समझना है कि
जितना हम हमारी शक्ति हमारे आध्यात्मिक पहलू से हमारे आत्मा के और परमात्मा के संबंध से प्राप्त करिए, उतना हमें इस जगत में स्थिरता और सुरक्षितता का अनुभव हो सकता है। और आखिरी एस है सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव। ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम एक पेंडुलम देखेंगे तो दो अनुचित प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। एक है कि हम सोचते हैं कि ये दुनिया ही इतनी खराब है, इससे कुछ भी होते रहता है, यहाँ पे कुछ भी अर्थ नहीं है इसका, और हम पूरी तरह से हताश हो जाते हैं और कुछ करने की इच्छा चली जाती है। और दूसरा है कि हम चाहे तत्व ज्ञान थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसका गलत अर्थ निकाल के हम सोचते हैं कि ये सब लोग जो कुछ हुआ उनको, उनका सब वो सब बुरे थे, उन सबका बुरा कर्म था, उसके हानि हो गया। तो ये इससे बड़े हम हृदयहीन हो जाएंगे, पत्थर दिल वाले जैसे हो जाएंगे। हम शास्त्रों में देखते हैं तो श्रीमद् भागवतम में जब इसी प्रकार की एक विपत्ति आती है राज्य पे, जब पृथ्वी महाराज के राज्य में ऐसे अकाल आ जाता है और लोग भूख से तड़प रहे मृत्यु के पास आ गए हैं, तो पृथ्वी महाराज नहीं कहते ये सब तुम्हारा ही कर्म है, तो अभी तुम नहीं, वो ये देखते हैं ना कि उनका कर्म क्या है पर मेरा धर्म क्या है, और वो तत्परता से वो उनके लिए अन्न सामग्री की योजना करते हैं। वही भगवीता जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, वही कृष्ण भगवान, उसी का संदेश कैसे हमें अमल करना है, यह महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु का वध हो जाता है तभी अर्जुन को कैसे सांत्वना देते हैं उससे हम देख सकते हैं। जब अर्जुन हताश क्रोधित टूट गए हैं, अलग अलग भावना नकारात्मक भावनाओं से जा रहे अर्जुन के अभिमन्यु के मृत्यु की वार्ता सुनकर, तो उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, इस जगत में सब लोगों के जीवन में विपत्ति आती है, वो भले ही बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन हो, पर फर्क उनमें यह है कि जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो विपत्तियों में ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं जिससे कि बुरी परिस्थिति और बुरी हो जाती है। उसके विपरीत बुद्धिमान लोग जो है वो इस तरह से कार्य करते हैं, चुनते हैं जिससे कि बुरी परिस्थिति को वो कम बुरी बना सके। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हुआ है, यह सवाल का जवाब प्राप्त करना बहुत जटिल है। कर्म किस तरह से चलता है वह समझना बड़ा मुश्किल है, पर कर्म का जो सिद्धांत है इसका ये उद्देश्य नहीं है कि जो लोग तड़प रहे हैं, जो लोग दुख में हैं, उनको हम और दुखी बनाए ये कहकर कि तुम ही तुम्हारा आप तो अपना कर्म भुगत रहे हो। नहीं, कर्म के सिद्धांत का मूल भाव यह है कि हमें जिम्मेदारी लेनी है, हमारे कार्यों से प्रभाव होता है, आवर एक्शंस मैटर, देयरफॉर लेट अस एक्ट रिस्पॉन्सिबली। तो अभी जो हो चुका है तो हम प्रश्न को परिवर्तित कर सकते हैं, न कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो अच्छे लोग क्या करते हैं, तो वो सेवा भाव से कार्य करते हैं। भगवान सबके सुहृद है, सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान इस जगत के दुख का कारण नहीं है, भगवान इस जगत के दुख के से राहत की स्रोत है। इज नॉट द कॉज, इज द क्योर ऑफ द वर्ल्ड सफरिंग्स। तो जब हम भगवान की सेवा भाव रखते हुए इस जगत में हम कार्य करते हैं तो हम भी न केवल दूसरों की मदद कर सकते हैं, पर जो हम सोचते हैं हमारी क्षमता है, उस क्षमता से बढ़कर भी और मदद करने की शक्ति हमें मिल सकती है। तो जो हम इस परिस्थिति में है कि हम जो लोग इससे पीड़ित हो विचलित हुए हैं, जो इसे प्रभाव जो जिन पे ये विपत्ति आई है उनको मदद कर सकते हैं, तो व्यावहारिक रूप से हम कुछ मदद कर सकते हैं, मानसिक रूप से कुछ सांत्वना दे सकते हैं, और बौद्धिक आध्यात्मिक स्तर पे जो है भगवद्गीता का संदेश जो है उससे इस दुख को कैसे सामना कर सकते हैं, हाउ दे कैन बी फाइंडिंग मीनिंग इन सफरिंग, उसके लिए भी हम मदद कर सकते हैं। ये जगत में बहुत सी बुरी चीजें होती रहती है, पर अगर हम सेवा भाव रखते हैं, अगर हम हमारे अध्यात्म में शक्ति प्राप्त करते हैं, और अगर हम ये गंभीरता से हमारे कर्तव्य करते हैं, तो ये दुनिया भले ही कितनी
कितनी बुरी चीजें क्यों ना हो जाए, कितना अंधकार जगह में आ जाए, हम छोटी सी रोशनी कम से कम दुनिया के हमारे कोने में लगा सकते हैं। हरे कृष्ण।